शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यूए पैदाश के मौके पर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अगुवाई की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है, शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो के जिन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो जागीदार राज था वो ख़त्म किया और किसानों और मजदूरों को जो है अपना हक दिलाया। वो जम्मू कश्मीर के एक बागवानी लीडर थे और उनका उनके बताए हुए रास्ते पे हमने चलना है। उन्होंने जो नारा लगाया था शेरे कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू सिख साथ, ये नारा लेके हमने चलना है और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं तो उनके उनको जन्नत में आला से आला मुकाम। आज यहाँ एक मीटिंग रखी गई अकाई की जानब से यहाँ आजाद साहब के घर में, हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिसने खुलवाया, आज उनकी योम पैदाइश का दिन हम मना रहे हैं। हमें एक तरफ खुशी की लहर जा रही है, एक तरफ हमारी पूरे गम के अंदर पूरे से जो शेख साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर को जो इज्जत दी जो उसको मकाम दिया उसे हमें पूरा छीन लिया। आज हम इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे में ये बात करते हैं कि हमारे हकूक़ जो है हमें इंशाल्लाह वापस मिलेंगे और पूरी हमारी जमात जो है जदोजहद कर रही है तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हमारा हक जो है मिल जाएंगे। शेख साहब जब एक बार का वाक़या है, जब शेख साहब कहीं बाजार में जा रहे थे तो एजुकेशन का एक मुलाजम मिला तो रास्ते में देखा कि कितना टाइम है आज स्कूल का, तो उन्होंने देखा कि आधी दिहाड़ी है तो उसी हिसाब से उन्होंने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के एजुकेशन टीचरों का जो है तनख्वाह काट नहीं दी। आज हमें 2-3 साल से पूरी एजुकेशन से रियासत जम्मू कश्मीर को महरूम रखा गया है। हमें ये बात जो है हम इसके ऊपर आज शेख साहब के दिन पर इसकी पूरी मजम्मत करते हैं और रियासत जम्मू कश्मीर की यूटी हुकूमत को भी कहते हैं और हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत को भी कहते हैं कि हमारी एजुकेशन लाइफ को फौरी तौर बागुजार किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ये बागुजार ना की गई तो इसके अमतियाज जो है पूरी रियासत के लिए बड़ा उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि हमने पूरे रियासत के जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जो है इस वक्त एक एक कदम पर हमारा वर्कर जो है अपनी जान देने के लिए तैयार है। हजार जान के कर पे एक मीटिंग मुनक़द की जिसमें आज शेख साहब की 116 जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं अपनी तरफ से और पुंछ के जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं सीनियर लीडर उनकी तरफ से पूरे हिंदुस्तान और पूरे जम्मू कश्मीर को मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरह ये आज ये स्कूल बंद और परेशानियां चल रही हैं, मेरी ये दरख्वास्त है हुकूमत से खासकर अलजी साहब से कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में स्कूल हैं स्कूलों को खोला जाए और बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि आगे हर जगह पे जो स्कूल शुरू हो चुके हैं इसलिए हमारे खासकर पुंछ के अंदर जो स्कूल हैं उनको खोला जाए। मैं दोबारा सब जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ आज शेख साहब के इस जन्मदिन। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो इंटरनेशनल नेशनल लीडर थे और जिन्होंने इस एनसी पार्टी की बुनियाद रखी थी, तो हम उनको ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे चलकर इस पार्टी को हम घर घर और मजबूत बनाएंगे जो इस वक्त का दौर चल रहा है इस दौर में। और इंशाअल्लाह ये भी उस मालिक के घर में यकीन और उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी का मंशूर है 35A और दफ़ा 370 वो दिन दूर नहीं है कि ये वापस इंशाअल्लाह हमें गवर्नमेंट देगी।